विधानसभा में आज अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। मिलावट खत्म करने की दिशा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य लामबंद नजर आए। किसानों की कर्ज माफी की मांग बुलंद हुई। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुख वक्ताओं के बीच से सदन के सितारों को चुना। अभी पिछली सरकार की बात बताओ, फूड पैकेट दे दिया आपने, तेल दे दिया आपने, मिर्ची दे दी आपने, पाउडर दे दिया आपने, मिर्ची में हल्दी दे दी, ऐसी हल्दी दे दी जिसकी हल्दी का रंग गायब, मिर्ची ऐसी दे दी जो दो दिन के अंदर रंग गायब, तेल ऐसा दे दिया जो नकली। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन से, ऐसी बेईमानी के धंधों को मत करो। उन बेईमानी के धंधों से अपन एक ही लाइन में माननीय सदस्य है, इसलिए आपसे मैं यू निवेदन करना चाहूंगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कम वो बेईमानी के कारोबार सरकार के द्वारा नहीं चलाए जिसे बेईमानी की परतें खुलती हो। किसानों की जो MSP का कानून है वो आना चाहिए और किसान को जो उचित मूल्य सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। गांव में हम कैंप लगाते हैं कि खरीद केंद्र लगते हैं तो वो खरीद केंद्र भी हम उचित समय पर नहीं लगा पाते। तहसील ब्लॉक हेडक्वार्टर पर लगते हैं तो 2-3 महीने बाद वो लगाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता, वो कभी कहते हैं कि वो हमारे पास बारदाना नहीं है तो उसके अभाव में हम खरीद नहीं कर पाते हैं, तो किसान उस पर सफ़र करते हैं। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उससे हम किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है और MSP पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करावें और टाइम पर करावें। टाइम पर कराएंगे तो उससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी मांग रहेगी कि 19 जुलाई को मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो राजस्थान के किसानों के लिए अलग से कोई पैकेज होना चाहिए, MSP पे भी बोले और ऋण माफी के लिए भी बोले। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। खाद्य सुरक्षा वाला जो पोर्टल बंद है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हम सब क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री एक मिनट का समय हो, सहकारिता मंत्री बहुत ही अच्छे अमित शाह जी हैं, इसलिए पोर्टल भी चालू करें, खाद्य सुरक्षा में अगर नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की जरूरत है उनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ पाया, जिनको जरूरत नहीं है उनके नाम जुड़ गया, इसलिए आप करें। एक राशन डीलर का जो भी मानदेय तय करें, क्योंकि आज अपन नरेगा का जो आदमी उसको भी 400-500 रुपए देते हैं, तो कैसे न कैसे उनका मानदेय तय करें, तो ईमानदारी से काम करेंगे माननीय सभापति। एक मिनट का और, तो उनका मानदेय भी दे दें। एक ट्रांसपोर्टेशन में 1%-2% की छूट होती है उसका भी ध्यान रखें। एक नई राशन दुकान है, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष को कहते हैं मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, मंत्री महोदय एक मिनट, अर्जुन जी मंत्री महोदय, वहाँ प्रत्येक पंचायत में राशन की दुकान हो जाए, एक गेहूं और जो राशन का सामान मिलता है उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें।